जैसे मसलन हम जमीन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो जब रजिस्ट्री होती है हम काउंटर पर जाकर के खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ई पंजीकरण प्रणाली ये करके और ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया था ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद और एक बार उसकी निरीक्षण हो जाए, उसकी चेकिंग होने के बाद अपने आप आपको रजिस्ट्री मिले ताकि आपको काउंटर पर भी न जाना पड़े, केवल आपको रजिस्ट्री मिले। इसमें बहुत अच्छे अनुभव हमारे आए हैं। फिर भी किसी को कठिनाई आई हो तो जरूर हमको बताएंगे। हमने इसी प्रकार से सारा डाटा किसी भी व्यक्ति का, परिवार का, परिवार पहचान पत्र के नाते से डाटा डाला हुआ है ताकि कहीं भी कोई सेवा देनी होती है तो फैमिली आईडी के माध्यम से उस डाटा को लिया जाता है। रजिस्ट्री कराने के लिए जमीन का डाटा ये भी हमने ई प्रणाली से डिजिटलाइजेशन उसका किया है, और ताकि हर प्रकार की जानकारी उस रजिस्ट्री के अंदर उसको मिल जाए। तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको मिल रही हैं। और प्रॉपर्टी के साथ आईडी यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो किसी भी विभाग को जमीन के ऊपर कोई ड्यूज है कि नहीं है, इसका भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। आपको आपको कहीं भी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तो इस काम से आपकी जो काम है वो आसान हो गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने चलाया था। शुरू शुरू में बहुत से ऐसे समस्याएं आई थी और लोगों ने कुछ ना कुछ डिमांड करनी भी शुरू की थी। अब धीरे धीरे उन सब चीजों पर लोगों को भी जानकारी हो गई है कि प्रॉपर्टी आईडी में कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, कौन कौन सा पेपर हमको देना है, वो सब दे रहे हैं। और अब जो शिकायतें हैं, बहुत मुश्किल से 5 से 10% शिकायतें बाकी बची होंगी, और ऐसी सबकी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट पूरा करें, थोड़ा सब्र करें, जल्दी न बचाएं, अन्यथा ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, हम उनके चंगुल में फंस सकते हैं, उसमें हम न फंसें।